ये कहानी एक ऐसे बच्चे को लेकर है जो कि 6 साल की उम्र में ही एक सोल्जर बन जाता है और मेजर जनरल से उसको बैच ऑफ ऑनर भी मिलता है। सोल्जर बॉय मूवी की इसी कहानी को आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में सर्जी नाम का एक 6 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ के उसकी मम्मी और भाई पीटर को शो ऑफ कर रहा था। तभी उसकी मम्मी देखती है कि उन लोगों की तरफ एक जर्मन फाइटर जेट आ रहा है, तो उसकी मम्मी डर जाती है और दोनों बच्चों को छुप जाने के लिए कहती है। तो सर्जी कहता है कि उसे डर नहीं लगता है उन फाइटर जेट से और गुलेल से ही फाइटर जेट को उड़ा देता है। पर उसके बाद वो देखता है कि उसकी मम्मी और भाई वहाँ पर नहीं है, तो सर्जी डर जाता है और सपना टूट जाता है। तो वो नींद से उठ के अपनी मम्मी को बुलाता है। तभी घर के दरवाजे पर कोई नॉक करती है तो सर्जी सोचता है कि उसकी मम्मी होगी, पर दरवाजा खोलते ही एक पड़ोस की औरत आती है और सर्जी को बताती है कि उसके भाई और मम्मी मर चुकी है और बताती है कि जर्मन सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका है और सर्जी को अभी भागना पड़ेगा। तभी कुछ सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं तो वो औरत खिड़की से सर्जी को बाहर भेज देती है, पर वो औरत वहाँ से भागने के पहले ही उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। सर्जी वहाँ से भाग जाता है और कुछ देर जाके देखता है कि जर्मन सोल्जर्स ने उसके पूरे गांव को जला दिया है। फिर वो मम्मी को पुकारते हुए कुछ देर रोता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वो जंगल के अंदर खो जाता है और फिर से मम्मी को पुकारते हुए रो रहा होता है। उस रात वो उस जंगल के अंदर ही रहता है। अगली सुबह जब वो जंगल के पास एक नदी से पानी पी रहा होता है, तभी कुछ जर्मन सोल्जर्स के चलने की आवाज उसे सुनाई देता है, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो जहाँ पर छुपा होता है वहाँ पर एक सांप आ जाता है, पर फिर भी वो चुपचाप रहता है। फिर वो सोल्जर्स उस नदी के किनारे कुछ देर बैठता है और कुछ खा के वहाँ से चला जाता है। फिर सर्जी बाहर आता है और वो सोल्जर्स जो खाना छोड़ के गए थे वही खाना वो खा लेता है। अगले दिन सर्जी ठीक तरह से चल नहीं पाता है क्योंकि 2 दिन से वो ठीक से खाना नहीं खाया है। तभी उससे थोड़ी ही पीछे एक बॉम्ब फट जाता है, तो उसके बाद वो सब धुंधला देखने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उस हालत में भी वो एक लकड़ी उठाता है और बोलता है कि उसके पास राइफल है और वो किसी से डरता नहीं है, और फिर वो वहीं पर सेंसलेस हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर 2 सोल्जर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद एक रशियन आर्मी बेस में कुज़नेत्सोव नाम का एक कमांडर को दिखाया जाता है। तभी तो रशियन सोल्जर्स सर्जी को लेकर वहाँ पर आते हैं, लेकिन जब कमांडर बताता है कि वो रशिया के ही है, तब सर्जी अपना परिचय देता है और कमांडर से हाथ मिला के उसका भी परिचय पूछता है, तो इस बात से सभी सोल्जर्स हंस देते हैं। उसके बाद वो सोल्जर सर्जी को पानी पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। फिर काटिया नाम का एक नर्स सर्जी के ऊंट्स को ड्रेसिंग कर देती है और बताती है कि उसके ऊंट्स एकदम फूलों की तरह दिख रहा है। तो सर्जी बताता है कि उसके ऊंट्स पे टैंक का ड्राइंग बना देने के लिए, क्योंकि उसे फूल पसंद नहीं है, और ये भी बताता है कि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। फिर सर्जी कमांडर से पिस्तौल और बैच को लेकर बहुत सारा सवाल करता है। कमांडर भी हर एक सवाल का जवाब देता है और पिस्तौल से गोली निकाल के सर्जी को खेलने के लिए भी देता है। सर्जी जल्दी जल्दी ठीक हो रहा था और एक दिन काटिया कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि सर्जी को बैटलियन के साथ ही रखने के लिए, परंतु कमांडर बताता है कि वो सर्जी को एक अनाथालय भेजना चाहता है क्योंकि बटालियन के साथ रहने में खतरा है। उस आर्मी कैंप के सभी सर्जी को बहुत पसंद करते थे। सभी अपने फ्री टाइम में उसके साथ खेलने आते थे और खाना भी लाते थे। एक दिन एक सोल्जर भी कमांडर से सर्जी को बैटलियन के साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, फिर से कमांडर मना कर देता है। उसी दिन जर्मन सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। उसके बाद एक गाड़ी आता है सर्जी को अनाथालय ले जाने के लिए। कमांडर सर्जी को एक लकड़ी से बना हुआ पिस्तौल देता है और बताता है कि उसे लेने के लिए गाड़ी आ चुका है। तो सर्जी कमांडर को हग करता है और कमांडर की सेफ्टी के लिए चिंता जताता है। सर्जी की इसी जेस्चर से कमांडर भावुक हो जाता है और कहता है कि सर्जी सोल्जर्स के साथ ही रहेगा उसके बेटे की हैसियत से। उस रात सभी मिलकर सर्जी के लिए यूनिफॉर्म बनाता है।
अगली सुबह सरजी नींद से उठता है तो कमांडर उसे वो यूनिफॉर्म देता है, तो सरजी उसे पहन के खुशी में चारों ओर दौड़ने लगता है। और तभी जर्मन्स हवा से अटैक कर देते हैं, तो सोल्जर्स सरजी को एक सेफ जगह छुपा देते हैं। उसके बाद सरजी उन सोल्जर्स को किसी तरह मदद करना चाह रहा था, तो वो एक इंजर्ड सोल्जर्स को पानी पिलाता है। वो सोल्जर सरजी को एक लेटर पढ़ देने के लिए कहता है क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी लगा हुआ था। पर सरजी को पढ़ना नहीं आता था, तो वो कुछ कहानी खुद से बनाने लगा और बोला कि इस चिट्ठी में आपके फैमिली ने बताया है कि आपके घर के गाय सही सलामत है। तो वो सोल्जर बोलता है कि उसके घर में कोई गाय है ही नहीं। ये सुन के बाकी के सोल्जर्स हंसने लगे और सरजी को चिट्ठी पढ़ते रहने के लिए बोले। सरजी बाकी सोल्जर्स की भी चिट्ठी इसी तरह पढ़ता है और सबको हंसाता है। उसके बाद एक सीन में कमांडर और काटिया को एक साथ देखा जाता है, जहां पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, परंतु कोई किसी को बताते नहीं है। अगले सीन में सरजी और कमांडर जब एक साथ चल रहे थे, तब सरजी कुछ मरा हुआ सोल्जर्स को देखते हैं और कमांडर सरजी को सिखाता है कि कैसे टोपी उतार के मरा हुआ सोल्जर्स को सम्मान किया जाता है। अगले दिन सरजी कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक टास्क देने के लिए, तो कमांडर उसे चिट्ठी बांटने के लिए कहता है, तो वो टास्क अच्छी तरह से पूरा कर लेता है। अगले दिन सरजी बाइनोकुलर से खेलते खेलते बेस से थोड़ा दूर चला जाता है, तो वो एक झाड़ी के अंदर एक आदमी को देखता है। जल्दी से वो वहाँ से बेस वापस आता है और सोल्जर्स को इस बारे में बताता है। तब सोल्जर्स वहाँ पर जाते हैं और उस झाड़ी के अंदर से दो जर्मन जासूस को पकड़ते हैं। उस रात कमांडर सरजी को उसके लीगल अडॉप्शन के पेपर्स दिखाता है, तो सरजी बहुत खुश हो जाता है। सरजी को पता था कि कमांडर काटिया को पसंद करते हैं, तो वो कमांडर को काटिया के पास ले जाने लगता है कन्फ्यूज करवाने के लिए। तभी कमांडर देखता है कि काटिया किसी और से बात कर रही है, तो कमांडर सोच लेता है कि काटिया किसी और को पसंद करती है। उसके बाद जर्मन्स फिर से बेस पे अटैक कर देते हैं और सरजी फ्रंट लाइन के सोल्जर्स को गोला बारूद सप्लाई करके हेल्प कर रहा होता है। हालांकि सभी सोल्जर्स उसे आदेश दे रहे थे शेड में वापस जाने के लिए, क्योंकि वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं था। सरजी शेड पे वापस आके देखता है कि कमांडर और बाकी के सभी सोल्जर्स बहुत चिंतित है, क्योंकि फोन की लाइन डेड हो गया है और कॉर्नल से बात नहीं हो पा रहा है। एक सोल्जर को भेजा जाता है फोन की लाइन ठीक करने के लिए और सरजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रास्ते में ही वो सोल्जर घायल हो जाता है और सरजी उस घायल सोल्जर से फोन की लाइन ठीक करने का तरीका पूछ के फोन लाइन को ठीक कर देता है। फोन लाइन ठीक होने पर और भी सोल्जर्स को बेस पर बुलाया जाता है और सभी बच जाते हैं। दूसरे सीन में काटिया और कमांडर को देखा जाता है एक नदी के किनारे बात करते हुए, और कमांडर फाइनली काटिया के लिए उसका फीलिंग्स शेयर कर देता है। काटिया बहुत खुश हो जाती है और तभी एक सोल्जर वहां पर आता है और एक चिट्ठी कमांडर को देता है, जिसमें बेस चेंज करने का निर्देश था। अगली सुबह जब वो लोग वहां से निकल के दूसरे बेस की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक माइनफील्ड आता है और उन लोगों के कुछ गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है और कमांडर को भी चोट आ जाता है। उसके बाद इंजर्ड सोल्जर्स को उठाया जाता है और नया बेस की तरफ जाता है। बेस जाके वहाँ जनरल से मुलाकात होता है और वो सरजी को देखकर और उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन कमांडर के ट्रूप्स को और सरजी को गार्ड्स बैनर दिया जाता है। जब जनरल सरजी को बैच देता है, तब सरजी प्रतिज्ञा करता है कि जब भी जरूरत होगा वो देश को बचाएगा। एक रात बेस पर जर्मन से एक बड़ा हमला कर देते हैं और कमांडर एक जगह फंस जाता है, तो सरजी रोने लगे और दूसरे सोल्जर्स को हेल्प के लिए बुलाने लगे पापा को बचाने के लिए, तो वो सोल्जर्स कमांडर को रेस्क्यू कर लेता है। अगले दिन सरजी एक सोल्जर के पास जाता है जिसका एक हाथ इंजर्ड हो गया था कमांडर को बचाने के वक्त। उसके बाद वो लोग एक दूसरे बेस चले जाते हैं और उसी के साथ मूवी को खत्म कर दिया जाता है। और मूवी खत्म होने पर बताया जाता है कि सरजी उन लोगों के साथ पोलैंड तक पहुंच गया था और अभी सरजी दुनिया के सबसे छोटा सोल्जर के नाम से फेमस है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक 12 साल का लड़का अपनी मम्मी पापा के ऊपर क्यों केस करता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।